Carrying on our discussion on the need for uh, creating customer buy-in, so there are, uh, innovative products you are, uh, usually they are, the uh, sometimes uh, uh, or it is are, the breakthrough products which are, radically innovative products especially.

ये भी काफ़ी मुश्किल और डाउटिंग है लेकिन जब आप कर पाते हैं तो इसको कमर्शियली वायबल बनाना यानी कि इंडस्ट्री में इसके लिए जगह बनानी लोगों को इसको इसके अडॉप्ट करने के लिए तैयार करना जो पिछली टेक्नोलॉजी वो उन्होंने इस्तेमाल कर रहे हैं वो उसको छोड़ दें और उसकी बजाय ये नई प्रोडक्ट नई एप्लीकेशन इस्तेमाल करें ये भी अगर उतना ने उससे उत मुश्किल नहीं तो उतना ही मुश्किल काम तो द को डेवलपमेंट पार्टनर्स जिनके साथ मिलकर आपने ये प्रोडक्ट बनाई है मे बी मे बी यू मे बी द इनोवेटर्स मे बी यू अर्ली कस्टमर्स देन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एंड अल्टीमेट यूजर्स द कस्टमर्स आर ऑल रिक्वायर्ड टू अडोप्ट न्यू प्रोसेस एंड टू चेंज बिहेवियर्स इन मैनी केसेस एंड द आउटकम्स आर स्टिल अन ये एक risky pathway है ये एक आ, ऐसा course है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा uncertainty है कि जो लोग आपके साथ शामिल भी हैं उनको बहुत सारी तब्दीलियाँ लानी पड़ती हैं सिस्टम में अपने रवैयों में लेकिन उसके बावजूद क्या होगा ये अभी तक उनको नहीं मालूम होता अनसर्टेनिटी होती तो दीज रिजल्ट शो दैट द मार्केट क्रिएशन फॉर ब्रेक थ्रू इनोवेशन्स मे रिक्वायर एज मच टाइम एंड इन्वेस्टमेंट्स एज देयर टेक्निकल डेवलपमेंट जितना उन्होंने पैसे लगाए थे उस प्रोडक्ट को बनाने में और जितना उनको वक्त लगा आ, उस टेक्नोलॉजी को उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन या प्रोडक्ट की शेप देने में शायद उतने ही पैसे और शायद उतना ही वक्त चाहिए उसको अपनी जगह बनाने के लिए मार्केट को और ये एक ऐसा फिनमिना है जिसके ऊपर आमतौर पर एंटरप्रेन्योर गौर नहीं करता सो so, ये टेबल देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग टेबल है ये बता रहा है कि जो टेक्निकल क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन एप्लीकेशन एंड क्वालिटी ऑफ मार्केटिंग एफर्ट कैसे ये इम्पैक्ट करते हैं तो देखिए ये टू माइनसेज हैं इन द इन द फर्स्ट रो हेयर यू कैन सी तो अगर पॉजिटिव है वन प्लस है मार्केटिंग uh, एफर्ट तो रिज़ल्ट जो है वो वन माइनस में है तो टू माइनस अगर क्वालिटी है तो और ये बहुत अच्छा है मार्केटिंग प्लस प्लस है तो उसका इम्पैक्ट ज़ीरो है फिर इफ दर इज माइनस क्वालिटी एंड Minus marketing effort sum is two minuses. Similarly, zero quality product, zero quality market application or marketing efforts, then total sum is again zero. But where the quality is zero, but marketing efforts are two plus, the total sum is two plus as well. And in the case where there is two plus quality, and 2 plus marketing effort. So the total sum result is 4 plus. Kya hai? This table is showing that the interaction between technical and marketing quality for a new product. Excellent marketing can compensate for a less than perfect Agar product hai, marketing efforts. तो ये उसको कॉम्पनसेट कर सकता है क्वालिटी को बट इट कैन नॉट सेव ए वेरी वेरी पुअर प्रोडक्ट बहुत ही पुअर प्रोडक्ट है और आप समझते हैं कि सिर्फ मार्केटिंग की बेस पे ये कामयाब हो जाएगी तो ऐसा नहीं होगा सिमिलरली ए परफेक्ट न्यू प्रोडक्ट में सर्वाइव पुअर मार्केटिंग सपोर्ट बट कुड हैव डन मच बेटर इफ मार्केटिंग हैड बीन एडिक्एट ठीक है तो मार्केटिंग uh, का रोल है अगर तो बिल्कुल बेकार प्रोडक्ट होगी तो फिर तो मार्केटिंग भी उसका कुछ बेहतरी नहीं ला सकेगी लेकिन अगर थोड़ी सी आपकी कॉम्प्रोमाइज़ प्रोडक्ट है और मार्केटिंग बहुत अच्छी है तो तब भी वो सक्सेसफुल हो सकती है लेकिन अगर आपकी प्रोडक्ट बहुत बेहतरीन है और उसके साथ वो ऐड होती है बेहतरीन मार्केटिंग एफर्ट्स के साथ तो रिज़ल्ट वुड बी एक्सलेंट तो आप जो है मार्केट में रेवोल्यूशनाइज कर सकते हैं एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड्स को और आपकी प्रोडक्ट जो है वो सारा मार्केट जो है उसको डोमिनेट कर देगी कंक्लूजन ए फॉर्म शुड एम टू गेट बोथ इट्स प्रोडक्ट एंड मार्केटिंग राइट ए न्यू प्रोडक्ट्स क्वालिटी एंड मार्केटिंग एफर्ट कॉम्प्लीमेंट ईच अदर मार्केटिंग कॉन्ट्रीब्यूट्स टू ए स्टार्टअप्स न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट इन क्रिएटिंग कस्टमर्स कस्टमर्स फॉर द स्टार्टअप्स इनोवेशन शुड बी डिस्कवर्ड द कस्टमर वैल्यू ऑफ़ द इनोवेशन वैलिडेटेड, वैलीडेटिड किस तरह क्या अहमियत है कि क्या यूटिलिटी रखती है ये नई प्रोडक्ट और किस तरह ये यूजफुल और फ़ायदा है कस्टमर्स के लिए इसको वैलिडेट करें उनको और उनको साबित करें एंड ए लॉन्च स्ट्रैटी शुड बी डिवेलप्ड टू ग्रो द कस्टमर बेस एंड देन द फर्म एज ए होल फिर इस तरह से मार्केट uh, स्ट्रैटी आप बनाएं इस तरह से उसको लॉन्च करें कि आपका uh, अच्छा शुरू में ये कस्टमर बेस बन जाए और फिर ये कस्टमर बेस जो है इंक्रीज होता चला जाए इन प्रैक्टिस मोस्ट न्यू प्रोडक्ट

एक अच्छी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी नहीं मिलेगी और जो कि बहुत ज़रूरी है कि जिस जिसको ले कर आप आगे चलेंगे और उसके बाद आप अपनी मार्केट और जो अपनी फर्म की जो बेस है इन द मार्केट उसको इंक्रीज़ करते चले जाएंगे। तो बेसिकली हेयर वी आर ट्राइंग टू एम्फेसाइज के सिर्फ प्रोडक्ट डेवलपमेंट और सिर्फ उसकी टेक्नोलॉजी को ही फोकस करना ज़रूरी नहीं है बल्कि उसकी उसके लिए उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए एक कस्टमर बेस जो है उसका डेवलप करना भी उतना ही ज़रूरी है और ये आप करेंगे अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटजी और कंसिस्टेंट मार्केटिंग एफर्ट्स के साथ